ओ तेरे कितने मोटे हैं, इतने में तो पूरा मोहल्ला 3 बार चाय पी लेगा यार। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अगर क्रेन घर में नहीं था तो एनोल्डिन को बच्चा कैसे हुआ और वो सुपर जिन कैसे बन सकता है? अरे हाजिर आया। हेलो मास्टर रोशी। अबे तेरी आवाज इन 10-12 के बच्चों की तरह इतनी फटी हुई और धीमी क्यों है? अरे नहीं नहीं वो काकाशी सो रहा है इधर। दिन के टाइम सो रहा है वो? हाँ वो अभी सोता है, रात भर वो काम करता है ना। और काम में करता है काकाशी? अरे ये थेरेपिस्ट है। है क्या? हाँ सही है, वैसे ये लोग रात में निकलते अपना काम करने और दिन में सोते हैं। मास्टर रोशी ऐसी बातें ना करो, येलो डॉलर आ जाएगा परमानेंटली। वो तो ऑलरेडी आ चुका होगा, सच्चाई छुप नहीं सकती। वैसे सुनो मैं बुक लिख रहा था, मैंने उसकी स्टोरी तो लिख दी, बट टाइटल में थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। अच्छा स्टोरी सुना। ये एक लड़के की स्टोरी है, वो और उसके दोस्त की। दोस्तों की कहानी कौन सुनेगा जिराया? अरे सुनो ना, एक दिन उनमें से एक दोस्त की गर्लफ्रेंड सेट हो जाती है, ठीक है, और दूसरा तब भी ढूंढ रहा होता है। तो जो पहले वाला होता है गर्लफ्रेंड होती है वो भाग जाता है कुछ काम से, उसकी गर्लफ्रेंड सो जाती है बेड के ऊपर, पर ये जो दूसरी बार नोटिस कर लेता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है। अब मजा आ रहा है स्टोरी में। वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और आवाज आती है, समनिंग जुत्सु नाइनटेल। नाइनटेल? अच्छा ये स्टोरी सास्के नारुतो साकुरा की है? अरे नहीं नहीं वो तो नाइनटेल काकाशी बोल रहा था। यूट्यूब की माँ का सारा येलो डॉलर देता है। क्या बात है, सोते भी कितनी अच्छी बातें करता है लड़का। जीरा है, क्या कर रहा है उसके साथ? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा यार, क्या पता सपना देख रहा होगा। जैसे जैसे रुको मैं काकाशी से सपने में आके देख आता हूँ क्या देख रहे हैं वो। हाँ तू देख, एक सेकेंड, तुझे किसने सिखाया ये? नारुतो भैया ने, बता रहे थे वो सास में भी यूज करते हैं चीज। साला अपने ठरक पूरी करने के लिए नए नए जुसू बनाता रहता है। जीरा सेंसे। हाँ क्या देख रहे हैं? जिस सपने में कर रहे हैं पर ये झुके हुए हैं और इनके समनिंग वाले कुत्ते इनके सपने में इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। सारे कुत्ते ऐसे होते हैं क्या? मेरे क्यों देख रहा तू? मैं तो सर फोड़ दूंगा, मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है, ठीक है। अबे जरा जल्दी काकाशी को उठा, लेट होगा तो गर्भवती बन जाएगा वो, वैसे मिक्स ब्रीड होएगी। काकाशी उठ। अरे नहीं उठ रहा ये, जो मैं बोलता हूँ वो कर। हाँ बोलो बोलो। काकाशी के ऊपर चढ़। हाँ ठीक है, चढ़ गया। हाँ हाँ अब काकाशी में गर्मी दे। है काकाशी में? अरे मेरा मतलब काकाशी को गर्मी दे। अरे वो कैसे दूं यार मैं? एक काम करता हूँ, मैं कपड़े इस पे रख देता हूँ। अरे जिराजन से वो अवार्ड। जिराजन से अब नंगे क्यों, मेरे ऊपर क्यों? अरे वो ये तेरे में गर्मी दे रहा था। मेरे में? जिराजन से। अरे नहीं नहीं सान जी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? साले हलवाई अपनी आंखें ठीक कर ले, अगर खाने में चीनी या नमक डाल दिया तो उन्हें जोर में चौथी तलवार तेरी बहन में घुसेड़ देगा। साले तेरे को ये 3 लग रहा है? जब मैं ज्वाइन करूंगा तब 3 हो जाएगा ना। अबे ओ साले जाके बर्तन मांज। ओए नहीं सांजी ये समय। अबे साले तू कहां से काउंटिंग सीख के आया है? जब मैं और वो ज्वाइन करेंगे तब 4 हो जाएगा ना। ए बुरा ना मानो, होली है। अबे तो रंग लेके आना, ये क्या लगा रहा है साले दूर कर। हैप्पी होली। अच्छा यूट्यूब वीडियो थी, इसलिए और चुमार को रुकना पड़ा। हाँ वरना सपने में काकाशी सेंसे और असली में आप दोनों प्रेग्नेंट हो जाते। अरे तुझे क्या काम है? अरे वो अवार्ड शो हो रहा है तो उसके लिए आपको होस्ट बनना है। अच्छा डन डन, और साथ में को होस्ट भी चाहिए रहेगा, तो किसको लोगे आप? मेरे साथ आ जाएगा काकाशी। ओके डन, और जरा वेन्यू। हाँ देखो जरा कहा है वेन्यू। समुंदर में लगा दू आग, तेरे मुंह में भर दू झाग, वो भी तो करता है सिंपिंग ऑन रीन, सास के गिमी और सोयाबीन। गलत वेन्यू आ गया यार। मैं जा रहा हूं, ठीक है। कहां? सोयाबीन खाने? सब आ गए। काकाशी रेडी ना? एकदम जीरा सेंसे। स्वागतम स्वागतम आप सबका द एनिमे अवार्ड्स के अंदर। आज हम आप सबको बर्मा की देंगे। अरे सुनो टेंजी भाई, इतनी भारी ओपनिंग सेरेमनी, दिल को आराम मिल गया सुन के। अबे ये कौन स्क्रिप्ट ले आया तू? अरे सर सॉरी, आज हम अवार्ड देंगे। अरे यार, और यहाँ पे काशी कपड़े पहने हुए बैठे हो? अरे वो पेनन कोनन है ना, कल मेरे ओयो में आए थे। हाँ भाई मैंने पेन को बेहोश कर दिया, उसे कपड़े पहन लिए और कोनन के सारे कागज गीले कर दिए मैंने। आपको जरूर अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड सेरेमनी शुरू करते हुए पहला अवार्ड होने वाला है एनिमे कैरेक्टर विद द मोस्ट नंबर ऑफ किल्स, और फर्स्ट नॉमिनेशन है
जिराय सेंसे फ्रॉम नारुतो। हैं मैं? सेकंड सांजी फ्रॉम वन पीस। हैं? अरे वाह, पर मैंने कब मारा किसी को? मारा था तूने। किसको? जब बर्तन मांस चाहता उसमें कीटाणु नहीं मारता तू। सहला के बर्तन एक बार से मोट मार के साफ करूंगा। थर्ड डेंजी फ्रॉम चेंसो मैन। ये क्या मजाक है, ये कैसी मजाक लिस्ट बनाई ये लोगों ने? इन्होंने कभी बंदे भी मारे हैं? बंदे छोड़, उन्होंने तेरी बंदी की भी मारी है। तुम्हारी मानो गुजराती गोजो। जैसे जी अवार्ड क्वेश्चन फिर से पढ़ना जा रहा, कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिया आपने? हाँ एक सेकेंड। एनिमे कैरेक्टर विद द मोस्ट नंबर ऑफ अनबोर्न किल्स, इसका क्या मतलब हुआ? जिरा अनबोर्न। दो और नॉमिनेशन है, एक है ईसे फ्रॉम हाई स्कूल डीएक्सडी और लास्ट ब्रॉक फ्रॉम पोकेमोन। और ये अवार्ड देने आ रहा है हमारा सेवंथ खोगे नारुतो उज़ुमाकी। हाय हेलो एवरीवन। हाँ सच्चे कौन जीता? पहले तू बताया गए। ओ हाँ सॉरी सॉरी। और हाँ द विनर इज विनर है डेंजी। अरे यार डेंजी आजा। डेंजी? अबे डेंजी कहाँ है? ओके ओके, तो मतलब बाथरूम में मिला हो। अच्छा करते पकड़ा गया। अच्छा ठीक है गाइस, जैसे भी पता लगा कि डेंजी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा था, तो उसको छोड़ते हैं, अगले अवार्ड शो पे चलते हैं, जो कि है एनिमे कैरेक्टर विद द मोस्ट नंबर ऑफ किल्स। ये सही में किल्स वाला है वैसे। नॉमिनेशन नंबर वन हाशिरामा कडट्टा। अबे साले। नॉमिनेशन नंबर टू द टेररिस्ट। मैंने लोगों को तो मारा पर मैंने ब्लास्ट सब करवाए। नॉमिनेशन नंबर थ्री डोरेमोन पार्ट टू ज़ेनोसामा। और नॉमिनेशन नंबर फोर शिनिगामी से मरवाने वाला। ओए रियुक, तूने हमारी वीडियो बनाई थी क्या? ये को-होस्ट मेरे को भी पिटवाएगा। और ये अवार्ड देने आ रहा है द मास मर्डर इताची उचीहा। अरे थैंक यू पर मेरे को क्यों बुलाया अवार्ड देने के लिए? क्योंकि इताची मारना वगैरह तू तो जानता ही है। पढ़ दे विनर को जल्दी से। एंड द विनर इज मैं जीतूंगा। ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा, मैंने अपनी पीपी बुक से इतने लोगों का कार्ड है ना, क्या ही बताऊं। विनर इज ट्रकुन। है? अरे हाँ वो एक सेकंड, पर नॉमिनेशन में तो थे ही नहीं। फर्क नहीं पड़ता, विनर वही है। ट्रकुन ट्रकुन, अरे कहाँ हो? हेलो क्या हुआ? डेंजू उठा दिया किसी ने? कौन था? आओ इसने मारा मेरे भाई डेंजी को। ट्रकुन। ओ फिर छोड़ो, उनसे क्या पंगे लेने। तो नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, जो कि होने वाला है द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर। और उसके अंदर नॉमिनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि द इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा लेजेंड है व्योक हिमसेल्फ। अरे थैंक यू मेरा अवार्ड। हाँ ये ले बादाम खा खा। अब गाइस व्यूक ने बादाम खा लिया, अब वो याद रखा कि तुम किसी कैरेक्टर को ऐड करने को बोलते हो। क्यों व्यूक? मेरे को वैसे भी याद रहते हैं ठीक है। सुना दे नामी बहन को के 18 रन गीकू रॉबिन नेजुको और नेजिकीमा। अप्रैल तक वेट कर लो। और अगर तू ऐड नहीं करे ना, तो जब तू स्ट्रीम करता है हर संडे शाम को सेकंड चैनल के ऊपर आ जाना, उसमें आके तेरे को नंगा करके जाऊंगा मैं। डन। लग रहा है व्यूक ने ब्रा और लिंगरी वगैरह का इंतजाम कर लिया है। वो सब नहीं होने वाला ठीक है, ये थाईलैंड नहीं है जो मैं लेडी बॉय बन जाऊंगा। ओके सब, नेक्स्ट अवार्ड की टाइम, जो कि है द मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर। इसमें शायद से मैं जीतू। नारुतो भाई सपने देखना थोड़ा कम कर। सही बोल रहा है तू लूफी, फिर तू एक काम कर, वन पीस ढूंढना छोड़ दे तू। और नॉमिनेशन नंबर वन हमारा मंकी डी लूफी। यस। नॉमिनेशन नंबर टू नारुतो उज़ुमाकी। नॉमिनेशन में क्यों नाम ले रहे हो, विनर में नाम लो ना। हाँ हाँ नॉमिनेशन में क्यों डाल रहे हो इसको, सासे का बोलो ना। नॉमिनेशन नंबर थ्री तांजीरो। अरे मैं? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से कहूंगो, दूसरे वाला किसी और चीज के लिए था। किसकी? वो मैं इस अवार्ड के बाद बताऊंगा तेरे को। ओके। नॉमिनेशन नंबर फोर गोकू। यस देख रहा है वेजिटा। अबे तू देख, अगला नॉमिनेशन मेरा ही होगा, क्यों जिराया? नहीं तो बस चार ही नॉमिनेशन थे यहाँ तो। अरे कोई नहीं वेजिटा, तेरे लिए मैं लड़ लूंगा। थैंक यू गगारोट। तू बोले तो तेरे लिए बच्चा भी कर दूंगा मैं। थैंक यू। और ये अवार्ड देने आ रहे हमारे मास्टर ओशी। अरे वाह ये तो बड़ा सही हुआ है, तेरे सारे ब्लाउज दिख रहे हैं यहाँ से, तभी तो हम स्टेज पे इतने ऊपर हैं। खैर इसका विनर है, कम ऑन विनर इज ओरोचिमारू। अरे वो है? कांग्रेचुलेशंस। अबे मैं थोड़ी जीता हूँ। अरे नहीं वो तू मामा बन गया। क्या बात कर रहे है, वाओ
एक मिनट इधर ही रुकियो, मैं अपनी तलवार लेकर आ रहा हूँ, इसमें सन ब्रीथिंग घुसेड़ूंगा साले में आज। जिन लोगों ने मुझे प्यार किया उन सबका थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया तुम लोग का सोने लेटो, तुम्हारे में प्यार घुसेड़ने आऊंगा मैं। और अब अगला अवार्ड शुरू कर दे, इसके अंदर नॉमिनेशन नहीं होगा, सीधा आंसर बताएंगे हम तुम लोगों को। एनिमे कैरेक्टर हु इज द बेस्ट रैपर, अरे ये तो मेरा ही अवार्ड है, इसका विनर है। हाँ, आ रहा हूँ, विनर है काकाशी। अरे मैं जीत गया, साला पॉलिटिक्स खेलता है। नेक्स्ट अवार्ड फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, इसमें तो पक्का मैं ही हूँ, और विनर है लो टेंजी। फिर पॉलिटिक्स, अरे अरे बच्चा लोग थैंक यू। वो काकुया जिसको सील करने में हमें एल लग गए थे, उसने अपने अपना डाल दिया, अरे तो कुछ भी नहीं यार। और नेक्स्ट अवार्ड है द मोस्ट यूजलेस डंप कुतिया, मर जाए साली उसकी बहन की, एंड द विनर इज, तुम्हें पता मैं किसी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा उसका नाम, शराब लगता है, और सारे अवार्ड नेक्स्ट पार्ट में। अरे यार मेरे को एक भी अवार्ड नहीं मिला। अरे कोई नहीं, जा वन पीस ढूंढ ले, 22 साल हो गए वो भी कहाँ मिल रहा है। अरे उदास हूँ तो चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे क्रू जॉइन करता हूँ, दोनों वन पीस ढूंढेंगे फिर। अरे हाँ लूफी मैं भी आता तेरे साथ में, नारुतो सासुके खड़े ढूंढ ले तो हमारे साथ आना है। तू हमारे शिप पे क्यों आ रहा है, हमारे शिप पे बुलमा नहीं है, बुलमा गुजरा है घर पे है। अरे गाइस रुको, लास्ट रह गया द बेस्ट एनिमेशन, अरे इसमें तो मैं जीतने वाला हूँ यार। अच्छे तो वैसे हमारे भी हो गए अब एनिमेशन, और विनर है बोरुटो। ये कैसी पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट बिक गई है। अबे सारे वर्स्ट एनिमेशन के बेस्ट एनिमेशन के, अरे बोरुटो का एनिमे नहीं उसकी को, एनिमे था ही नहीं। अच्छा फिर ठीक, अरे थैंक यू आ रहा मैं अवार्ड लेने। अरे पर आप थोड़े दोस्त, मेरे को याद है मैं देखी थी एचडी क्वालिटी के अंदर। अरे नहीं नहीं उस क्लिप में मैं नहीं था, पर उस क्लिप का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं था।